गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 16 पानी रे पानी की। इसमें बताया गया है कि पानी कैसे मिलता है, कैसे बनता है, जल चक्र क्या होता है। और जल चक्र आप जानते ही हैं, आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, वाटर साइकिल जो होता है उसको हम जल चक्र बोलते हैं। तो देखते हैं कि पानी क्या है, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जलचक्र जैसी बातें हमें बताई जाती हैं। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा तुम्हारा हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। तो ये किस चित्र की बात कर रहा है बेटा? ये जलचक्र जो है, वाटर साइकिल, उसके चित्र की ये बात कर रहा है। चित्र में कुछ तीर भी बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बनकर पानी में बदलती है, कि जो समुद्र से जब भाप उठती है तो वो भाप बदलकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है और जल चक्र पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्र की किताबी बात, पर अब तो हम सबके घरों में, स्कूल में, माता पिता के दफ्तरों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों में अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूं सूं की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो बेवक्त, बेवक्त मतलब बिना समय के, किसी भी समय, कभी देर रात को तो कभी भोर सवेरे। भोर सवेरे मतलब बहुत जल्दी सुबह। पानी आता भी, मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो। पानी को लेकर कभी कभी कहीं कहीं आपस में तू तू मैं भी होने लगती है। रोज़ रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइप में मोटर लगवा लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, कि मतलब कुछ जगह ऐसा होता है बेटा कि जहाँ पानी की पूर्ति कम होती है, तो जब पानी कम आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घरों में मोटर लगवा लेते हैं। और जिससे क्या होता है, जब मोटर चलती है तो उसका एक प्रेशर होता है और उस प्रेशर से सारा पानी जो आसपास के नलों, आसपास के घरों में जाने वाला होता है, वो आसपास के घरों में ना जाकर उसी घर में आ जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि वो आसपास का हक छीन रहे हैं, मतलब अब उनके घर में बिल्कुल भी पानी नहीं आएगा। लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। फिर क्या होता है, जब एक मोहल्ले में जब कोई एक मोटर लगवा लेता है तो उसे देख के फिर सभी मोटर लगवाने लग जाते हैं। पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। कई जगह ऐसा होता बेटा कि तीन तीन दिन तक पानी नहीं आता, तो वही पानी जो उन्होंने तीन दिन पहले भरा है उसी को वो स्टोर करके रखते हैं और उसी से उनको काम चलाना पड़ता है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही बहने लगता है। हमारे तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गांवों को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को।
कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मतलब पानी का अगर कम हो जाएगा तो भी हमें परेशानी है, और पानी अगर ज़्यादा आ जाता है, इतना ज़्यादा कि जिससे अकाल आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो वो भी हमारे लिए परेशानी है। तो दोनों ही जो बातें हैं कि एक तो अकाल का पड़ना, पानी की कमी होगी तो अकाल पड़ेगा, और पानी बहुत अधिक होगा तो बाढ़ आ जाएगी। तो ये दोनों ही बातें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें और संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। एक रुपया, दो रुपया, पाँच रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। कि हम क्या करते हैं, गुल्लक होती है हमारे पास, सब मोस्टली आजकल सबके पास ही होती है, और उसमें जो भी हमें पॉकेट मनी मिलती है, जो भी हमें पैसे मिलते हैं, हम उसमें डाल देते हैं, और जब हमें कभी नीड होती है तो हम उनको काम में ले लेते हैं। हमारी ये धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी इस विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गाँव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिसकर छनकर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। तो बेटा क्या होता है कि जो हमारी पृथ्वी है, उस पर जब बारिश होती है बहुत तेज, तो वो मिट्टी की बनी हमारी पृथ्वी है, और मिट्टी की बनी पृथ्वी है तो उसने उस पृथ्वी को किस चीज़ की तुलना की है, गुल्लक से। कि जो हमारी पृथ्वी है वो भी एक क्या है, मिट्टी की बहुत बड़ी गुल्लक है। जब हमारे बारिश का पानी आता है तब पानी खूब सारा आ जाता है, तो पानी उस मिट्टी के अंदर जाके अंदर तक वो रिस कर छन कर जा मिलता है, वो ज़मीन के अंदर पहुंच जाता है, इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध हो जाता है। तो हमें बहुत सारा पानी इकट्ठा कर सकते हैं। पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इस खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए, और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। तो उनका कहना है कि ये तो हम क्या करते हैं, जब बारिश का पानी आता है कहीं नदियों में भर जाता है, तालाबों में भर जाता है, तो ये जो सारा पानी है हम पूरे साल उसको हम काम में लेते हैं। परंतु कुछ समय ऐसा आया कि आजकल लोग क्या करते हैं, जो तालाब हैं या जो झील तो काफ़ी बड़ी हो जाती था, पर जो तालाब हैं या छोटे छोटे जो भी खेतों में आसपास जो भी बने हुए होते हैं पोखर टाइप में, तो उन सबको आजकल लोग बाग क्या कर देते हैं, किसी ना किसी चीज़ से ढककर भरकर उसको समतल बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ज़मीन का लालच आ जाता है, और जब वो समतल बन जाएंगे तो उसमें पानी हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो देखते ही देखते इन पर और इन समतल स्थानों पर क्या हो जाता है, कहीं मकान, कहीं बाज़ार, स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। मतलब जो पोखर और जो तालाब थे उनको जब कचरों से भरकर समतल बना दिया, और फिर उनके ऊपर लोगों ने कहीं मकान बना दिए, कहीं बाज़ार, कहीं स्टेडियम और कहीं सिनेमा घर। इस बड़ी गलती की सज़ा अब हम सबको मिल रही है।
गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। क्यों? क्योंकि पानी बहुत कम हो गया है, गर्मियों में पानी आता ही नहीं क्योंकि पानी हमें मिलता ही नहीं, क्योंकि सारी जगह जब समतल बन गई तो पानी कहाँ इकट्ठा होगा, कहीं नहीं होगा। और जब बाढ़ बहुत ज़्यादा आ जाती है तब भी क्या होगा, पानी को जो भरने की जो जगह है, प्राकृतिक जो जगह है जो हमें भगवान ने दी हुई हैं, जिस तालाब हैं, नदियाँ हैं, तो इनमें जब पानी नहीं जाएगा, जो कुएँ हैं इनमें पानी नहीं जाएगा, तो फिर पानी कहाँ आएगा? पानी हमारी सड़कों पर ही बहेगा, और सड़कों पर बहेगा तो क्या होगा, बाढ़ आएगी, तो उसका हम बहुत नुकसान उठा रहे हैं। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं, बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती हैं। इसीलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। कि अगर हम इन दोनों चीज़ों से बचना चाहते हैं, हम अकाल से और बाढ़ दोनों से बचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें हमारे आसपास के जितने भी जल स्रोत हैं, जिनसे जल के साधन, जिनसे हमें जल प्राप्त होता है, ऐसे साधन, तालाबों की और नदियों आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें, जब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरती रहे, तभी हमें ज़रूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते जाएंगे। चैप्टर लिखा है अनुपम मिश्र ने। यहाँ कुछ ग्रीन बॉक्स बना हुआ है तो इसको पढ़ लेते हैं। आज़ादी के बाद पिछले 60 वर्षों में दिल्ली में पानी की औसत मांग या खपत लगभग 3 गुना बढ़ गई है, पर झुग्गी बस्तियों को अभी भी औसत खपत का 30% पानी ही मिल पाता है। जब ज़रूरत के हिसाब से लोगों को पानी नहीं मिलता तो उनके हक छिनते हैं। हमारे समाज में ज़रूरतों से जुड़े और कौन से मुद्दे हैं जहां हम बराबरी का बंटवारा नहीं दिखाई देता, कई लोगों का हिस्सा छीनकर कुछ लोगों को दे दिया जाता है, तो ये चर्चा हम करेंगे जब आप अपनी कक्षा में आएंगे। तो अभी तो आप अपने घर वालों से बैठ के, बड़े लोगों से बैठ के इसकी चर्चा करें। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं बेटा, जहाँ गरीबों का हक छीन छीन कर दूसरों को दे दिया जाता है। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। पानी जितना हम अच्छे से यूज़ करते हैं, कि हमें जितनी ज़रूरत है हमें पानी का उतना ही उपयोग करना चाहिए। फालतू पानी हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए कि हमने नल खुला छोड़ दिया, या बाहर हम गाड़ियाँ धो रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट कर रहे हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो हम पानी की बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि पानी एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते। बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। इसलिए बेटा, पानी और हमारे जो जल के स्रोत हैं उन सब की हमें रक्षा करनी है। जैसे तालाब है, पोखर है, नदियाँ हैं, इन सब की हमें रक्षा करनी है। क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, इन सबको कचरों से ढक देते हैं और फिर इनको समतल भूमि बना देते हैं, और समतल भूमि बनाने के बाद इनके ऊपर या तो बिल्डिंगें खड़ी हो जाती हैं या बड़ी बड़े घर बन जाते हैं, कारखाने बन जाते हैं, जिसके कारण हमारे पानी की बहुत कमी महसूस होती है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।